Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now I will like to discuss a question raised why mercury is used in barometer, not a water. कि बैरोमीटर में मर्करी को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पानी को इस्तेमाल क्यों नहीं करते. तो आज का ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं. सबसे पहले कि मर्करी को बैरोमीटर में ही क्यों यूज करते हैं, उसकी रीजन कि मर्करी डू नॉट स्टिक विद ग्लास वॉल. क्या होता है कि जब प्रेशर फाइंड कर रहे होते हैं तो हम एक कंटेनर में मर्करी को लेते हैं और उसमें ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड करके रखा जाता है. क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा तो मर्करी जो है ये अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो मर्करी क्या अपवर्ड राइज करेगी. 180 की पे हम बात कर रहे हैं तो अपवर्ड राइज करेगी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. अब क्या है कि अगर कोई स्टिकी सब्सटेंस होगा, यानी मर्करी कोई भी लिक्विड होगा, अगर वो ग्लास वॉल के साथ चिपक जाता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, तो जब बाहर से प्रेशर अप्लाई होगा, जितना मर्करी कॉलम में या इस कॉलम ग्लास ट्यूब में लिक्विड को जितना राइज करना चाहिए था उससे कम राइज हुआ, तो इससे रिजल्ट में एरर आएगा. तो इसलिए हम मर्करी को यूज करते हैं कि वो कोई एडहेसिव फोर्सेस ग्लास वॉल के साथ नहीं बनाएगी. तो एक ये वजह है मर्करी को यूज करते हैं. दूसरा कि हम पानी को क्यों नहीं यूज करते बैरोमीटर के अंदर, तो इसकी रीजन है डेंसिटी फैक्टर है. एक्चुअल में ये होता है कि अगर पानी को हम ग्लास ट्यूब के अंदर इस्तेमाल करें इन द प्लेस ऑफ मर्करी, तो उसमें एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब रिक्वायर होती है. अब देखते हैं वो कैसे रिक्वायर होती है. तो ये फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी. यहाँ पे पी प्रेशर है, एच हाइट है कॉलम की, डी जो है डेंसिटी है, और जी यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स है. तो डी डेंसिटी होगी, यानी जो लिक्विड हम उसमें यूज करेंगे. तो अगर हम ये पी वन जो है ये हम पानी के वाटर के लिए ले लेते हैं और पी टू मर्करी के लिए ले लेते हैं, और सपोज करते हैं कि प्रेशर इक्वल है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें 180 होगा दोनों के लिए ही, जब मर्करी भी यूज करेंगे और या पानी हम यूज करते हैं. तो इक्वल जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड होगी तो राइट हैंड साइड इक्वल मानेंगे. अब दोनों साइडों पे जी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच वन डी वन इज इक्वल टू एच टू डी टू. अब यहाँ पे देखें हम निकालना चाहते हैं एक्चुअल में कि मर्करी जब हम लेते हैं ग्लास ट्यूब में तो उससे कॉलम जो राइज करता है 760 मिलीमीटर राइज करता है, उसमें हाइट होती है मर्करी के लेवल की. तो पानी के लिए क्या लेवल होगा जब 180 प्रेशर अप्लाई होगा. तो हम एक्चुअल में फाइंड करना चाहते हैं कि वो ग्लास ट्यूब उसके लिए कितनी लेंथ की ग्लास ट्यूब रिक्वायर होगी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एच वन उसकी हाइट होगी पानी के लिए ग्लास ट्यूब की, और पानी की डेंसिटी 1 होती है. नेक्स्ट है 760, ये मर्करी के लिए है कि उसकी हाइट इतनी होती है, और 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये मर्करी की डेंसिटी है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच वन इज इक्वल टू 10,336 मिलीमीटर. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10.334 मीटर. क्या हुआ इससे, क्या जाहिर हुआ कि अगर हम पानी को यूज करेंगे बैरोमीटर में तो उससे हमें 10 मीटर बल्कि 10+ मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब रिक्वायर होगी, जिसकी अगर आप देखें लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो वो तो एक उसको सपोर्ट करना ही मुश्किल होगा, और वो तो कमरे से ही. तो इस तरह ये हम गिला पानी की जो है वो, यानी पानी को हम इस्तेमाल नहीं करते और उसकी जगह पे हम मर्करी इस्तेमाल करते हैं. और उसकी दो वजह हैं, एक तो उसके लिए इतनी लॉन्ग ग्लास ट्यूब रिक्वायर नहीं होती, जस्ट 1 मीटर की रिक्वायर होती है, और दूसरा कि वो स्टिकी सब्सटेंस भी नहीं है.